जिले की नवनियुक्त एसएसपी श्वेता चौबे ने आज कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एसएसपी कार्यालय में आयोजित बैठक में नवनियुक्त एसएसपी ने पुलिस के तीन मूलभूत कार्य अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था और शांति व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने सभी प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थों को साथ लेकर टीम भावना से कार्य करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र के सभी कर्मचारियों की प्रतिदिन कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। मैंने कार्यभार यहाँ ग्रहण किया है, उसके तत्पश्चात जो सभी थाना प्रभारी हैं, सभी शाखा प्रभारी हैं, उनसे भी बैठक की है। प्रायोरिटी में सबको यही बताया गया है कि जो पुलिस का मुख्य काम है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको बहुत मजबूत रखे, उसको सुदृढ़ और करने की आवश्यकता है। इसके अलावा विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग के लिए जो है बताया गया है सबको, फरियादी जो थाने में आता है, जो शिकायत लेकर आता है, उसकी तत्परता से शिकायत का समाधान होना जरूरी है।